को अपर सर्किट में शेयर देखने को मिला। तो सर पीसी ज्वेलर की आज हम पूरी जांच परख करेंगे और उसको बारीकियों से समझेंगे। गए हो सर मेले, वहाँ सारे खिलौने इधर उधर सब एक जैसी स्थितियों में लगे रहते हैं और सबके ऊपर लाइट पड़ी रहती है और सारे चमक रहे होते हैं। लॉस बुक कर लें अच्छे अपने पोर्टफोलियो में, जो लॉस आ रहा है भैया लॉस तो हमेशा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, ध्यान रखना। और कब वो लॉस को ग्रीन हो जाएगा ये आपकी क्षमता के अनुसार। या बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है कि जब तेजी के साथ साथ सब खरीदने को जाते हैं तो दूर होकर बैठ लो, देख लो। ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो ना 80 से नीचे आ रहा है ना उसके ऊपर जा रहा है। देखो सर आज कुछ इसके पॉइंट पर बात करेंगे, उस पॉइंट को आपको समझना है। जैसे और सेबी भी कह रहा है भैया चीज़ों को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी ही आपका फ़ायदा होगा, यानी कि 100 में से कितने कमाते हैं वो आपको सबको पता है। देखो बाजार इतना आसान नहीं है कि कोई से भी शेयर के अंदर लगातार सर्किट लगना या एक दिन सर्किट लगना फिर लोअर सर्किट लगना अलग अलग न्यूज आना, क्या आपको लगता है कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे NMDC की, बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की। और सुजलोन एनर्जी के ऊपर काफ़ी लोग कह रहे हैं सर ये तो ना 80 से नीचे आ रहा है ना उसके ऊपर जा रहा है। देखो सर आज कुछ इसके पॉइंट पर बात करेंगे, उस पॉइंट को आपको समझना है। जैसे कल मैंने आपको बताया ना किसी चीज़ की पिक्चर अगर आपको पता लग जाए तो फिर वहाँ पर समय देकर उस फिल्म को पूरा देखना हमें चाहिए। तो उस स्थितियों के द्वारा आजकल मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अलग अलग चीज़ों से वाकिफ होती है और टारगेट से दूर होती है, कुछ चीज़ों को हमें अंदरूनी तरफ से समझने का मौका मिलता है। आज उसी शेयर में है हमारा PC ज्वेलर्स, जो आपको पता ही है आभूषणों के ऊपर काम करता है, चाहे वो सोने के हों हीरे के हों चांदी के हों। आज इसके ऊपर एक न्यूज़ भी आई है, उसके ऊपर बात करेंगे और काफ़ी लोग इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी कह रहे थे। तो आज इसकी पिछली हर एक चीज़ आगे की हर एक चीज़ को समझेंगे और उस द्वारा आपको खुद ब खुद अपनी चीज़ों को समझना है कि इस शेयर के साथ अब हम आगे क्या कर सकते हैं ना। तो हम तो उस चीज़ से वाकिफ कराएंगे जो आपको कभी कोई नहीं बताएगा और जो भी होगा खुद आपको खोजना पड़ेगा ना। तो आज हम PC ज्वेलर्स के ऊपर भी बात करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि शुरुआती तौर पर ही अगर आप चीज़ों को समझ गए कि ये बाज़ार इतना आसान नहीं है कि कोई से भी शेयर के अंदर लगातार सर्किट लगना या एक दिन सर्किट लगना फिर लोअर सर्किट लगना अलग अलग न्यूज़ आना, क्या आपको लगता है कि इन सारी स्थितियों को आप भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं? और उस दौरान अगर आप अपनी चीज़ों को करते हैं तो आगे जाकर फिर उसके अंदर हम विफल हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस भी कंपनी के बारे में हम चीज़ें समझते हैं, खरीदने को दौड़ते हैं, उस कंपनी के बारे में उसकी अच्छाई और बुराई जो भी है हमें समझ में आनी चाहिए। इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता कि लोग काफ़ी दिनों से GTL इन्फ्रा के ऊपर वीडियो बना बना कर 50 में जाएगा या अलग अलग पेन स्टॉक को अलग अलग नज़रों से हमें दिखाते रहते हैं। इतना आसान अगर होता तो मैं जानता हूँ कि हम सब बहुत अभी करोड़पति बन के होते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग भी कहते हैं भैया 10-15% ही कुछ मिलने की चीज़ों के साथ है ना। और सेबी भी कह रहा है भैया चीज़ों को जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतनी जल्दी ही आपका फ़ायदा होगा, यानी कि 100 में से कितने कमाते हैं वो आपको सबको पता है। देखो सर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो हो जाता है लाइफ में कि आप जितनी जल्दी चीज़ों को बाजार के अंदर समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ मुझे अपने पास रखनी है और कौन सी चीज़ से मुझे दूर रहना है। मेले कभी गए हो सर मेले, वहाँ सारे खिलौने इधर उधर सब एक जैसी स्थितियों में लगे रहते हैं और सबके ऊपर लाइट पड़ी रहती है और सारे चमक रहे होते हैं। उसके अंदर कुछ ब्रांडेड होते हैं, कुछ लोकल होते हैं, कुछ चाइनीज होते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से होते हैं। अब बच्चे का जो आकर्षण है हमेशा ध्यान रखना ब्रांडेड की तरफ नहीं जाने का। वो देखेगा बड़ा बड़ा कुछ चीज़ देखेगा, फैलती हुई कुछ चीज़ देखेगा, उस पर लाइट पड़ी हो रही होगी, वो अलग अलग तरीके से होगा, पर वो जिद करेगा मुझे यही लेना है। और हम उसे लाख समझा के थक जाएंगे भैया ये नहीं लेना है ये तो टूट जाएगा घर जाके, पर बच्चा नहीं मानता, बच्चा वो लेता है। और जब बच्चा वो चीज़ें लेता है तो ध्यान रखना घर आते आते उससे जब वो खेलता है
या तो उसी दिन वो टूट जाता है या फिर कुछ दिन चलने के बाद उसको उसकी कमियां पड़ जाती हैं और फिर वो बच्चा रोता है कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए। भैया शेयर बाज़ार भी यही है। शुरुआती तौर पर अगर आपको रणनीतियाँ कुछ निगेटिव शेयर के अंदर पॉजिटिव बनती दिख रही है तो समझ लेना भैया खिलौना आगे जाकर टूट सकता है। तो जब जब आप इस विधि को समझेंगे, है ना, आप मॉल जाएंगे वहाँ भी सब कुछ, जिसको पहचान होगी ना सर वो बाज़ार से मात नहीं खा सकता। जिसको पहचान होगी चीज़ों की वो भागते हुए चीज़ों से भी दूर रहेगा। भैया बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा है कि जब तेज़ी के साथ साथ सब खरीदने को जाते हैं तो दूर होकर बैठ लो, देख लो उनको। ये मेरे वाक्य नहीं है भैया। कामयाब वही व्यक्ति है जो शुरुआती तौर पर निगेटिव चीज़ को भापेगा, छल को भापेगा और कामयाब रहेगा। कितने लोग बाद में जिस तरीके से फंस जाते हैं फिर वो पछताते हैं कि भैया ये तो मैंने शुरुआती तौर पर शायद मैं ना लेता ना। तो मैं किसी भी शेयर के ऊपर ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ख़रीदना नहीं बेचना है, मैं तो वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें पता लगनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है कि काफ़ी मैंने सुना है कि जो ज़्यादा लॉस बुक कर लेगा वो सफल रहेगा। सुना भी होगा भाई, लॉस बुक करते जाओ और अपना पैसा अलग तरीक़ों से करते जाओ। जो ये लॉस बुक करने वाली चीज़ें हैं आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट वाले या अच्छे शेयरों के अंदर से ये चीज़ें नहीं कहा कि हम HDFC बैंक से लॉस बुक कर लें, बड़े बड़े शेयरों से लॉस बुक कर लें, अच्छे अपने पोर्टफोलियो में जो लॉस आ रहा है। भैया लॉस तो हमेशा रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, ध्यान रखना, और कब वो लॉस को ग्रीन हो जाएगा ये आपकी क्षमता के अनुसार है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपके पास कोई अच्छा शेयर है वो लॉस ही नहीं दिखा रहा है, वो लॉस दिखाएगा। पर जो वो लोग होते हैं कि लॉस बुक करना है, एक तो उनकी आदत ख़राब हो जाती है, फिर तो वो हर एक शेयर से लॉस बुक करते रहेंगे। पर जो लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं कि लॉस बुक भी करना बहुत ज़रूरी है, भैया वो इसमें नहीं कहते। वो निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन, वो जो अलग चीज़ जो इंट्राडे वो होती है, जो पोजीशन साथ के साथ काटनी पड़ती है, वो उनके वो मसले हैं और कुछ लोग उसे शेयर से जोड़ते हैं। तो भैया क्या अच्छे अच्छे शेयरों से अगर हमने लॉस बुक कर लिया तो क्या हम कामयाब हो जाएंगे? मान लो आपके पास बहुत अच्छा शेयर है और आपको उसके सारे बारे में पता है और वो आपका लॉस दिखा रहा है, आप उसमें से बुक करके बैठे, तो फिर आपने उसे खरीदा क्यों था? ये लॉस वाली चीज़ें किसी और पार्ट की है। यहाँ पर आपको लॉस अपने अच्छे शेयरों के अंदर एवरेज के साथ आगे बढ़ना है और हमेशा अच्छे शेयरों की तरफ आपको देखना है। तो दो चीज़ें मैंने आज आपको बता दी कि एक तो शेयरों को जांच पहचान कर लेंगे, जो शुरुआती तौर में तेज़ी दिखा रहा है कुछ दिखा रहा है थोड़ा उसकी गतिविधियाँ समझें, क्योंकि बाद में कहीं ना कहीं हमें धोखे हो जाते हैं। दूसरा अपना लॉस बुक करने की चीज़ें भैया इन्वेस्टमेंट में कभी इस तरह से नहीं करना, हमें तो इन्वेस्टमेंट दूर तक की चीज़ों के साथ करना है। एक कंपनी है NMDC जो खनन पे लोहे अयस्क में अच्छा वर्क करती है, ये इसकी वीडियो में पहले भी आपको बनाकर बता चुका हूँ। तो उस कंपनी की गतिविधियाँ उसके काम के प्रति हमें देखनी चाहिए। अभी इनकी 66वीं AGM मीटिंग हुई और उसके अंदर से कंपनी ने कहा कि उसने सर्वश्रेष्ठ जो अपना वर्क किया है वित्त वर्ष 2023 और 24 के अंदर जो लोहे अयस्क में वर्क किया है वो अपने उत्पादन को बढ़ा रहा है। यानी कि लोहे अयस्क में NMDC ने वित्त वर्ष 2023 और 24 में अपने उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि कर ली है, करीब 10% बढ़कर इनकी जो वृद्धि हुई है वो करीब 4.5 करोड़ टन की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 और 24 में देखने को मिली और बिक्री 16% बढ़ गई है। तो कंपनी इस तरीके से अपने लोहे अयस्क के उत्पादन को बढ़ा रही है और उसके अंदर वृद्धि कंपनी ने देख ली है। कंपनी ने अपनी ये 66वीं अपनी AGM मीटिंग में बताया, तो यहाँ से कंपनी अपनी वृद्धि बता रही है। भैया ये वो चीज़ होती है जिसको हमें भांपना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे PC ज्वेलर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि एक साल के अंदर शेयर 490% तक के बढ़कर आपको दिखा दिया और करीब शेयर ने 3-4 महीने के अंदर ही आपको 159 रुपये के टारगेट दिखा दिए, जो अधिकतर आपको अपर सर्किट में शेयर देखने को मिला। तो सर PC ज्वेलर की आज हम पूरी जांच परख करेंगे और उसको बारीकियों से समझेंगे। सबसे पहले सोने के आभूषणों में ये वर्क करता है, हीरे जड़े हुए आभूषणों में वर्क करता है, चांदी में भी ये वर्क करता है ना। तो इस तरीके से कंपनी आभूषण के क्षेत्र पर काम करती रहती है। दूसरा अगर हम एक चीज़ देखें तो अपने डीलरों के माध्यम से ये दुबई के अंदर भी
अपने आभूषण को निर्यात करता है और वहाँ पर ये B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस यानी होलसेल टू होलसेल वर्क करता है और वहाँ पर भी अपनी उपस्थिति इसने दुबई में बना रखी है। कंपनी एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि डिजिटल गोल्ड खरीदने का एक मौका देती है जो अपने प्लेटफॉर्म से, मैं चीज़ें बता रहा हूँ सब समझते जाना, अपने प्लेटफॉर्म से 24 कैरेट के 99.5% डिजिटल गोल्ड में निवेश करने का मौका अपने द्वारा पीसी ज्वेलर देता है जो अपना निवेश 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है और बाद में जैसे हम गोल्ड खरीदते जाएंगे और जो भी वैल्यू उस टाइम होगी या तो आप उसके आभूषण बना लें या फिर कंपनी के जो भी आपने निवेश किया है डिजिटल गोल्ड में उसको आप सिक्कों के रूप में वापस भी ले सकते हैं गोल्ड के रूप में। तो ये भी काम कंपनी का बेस्ट है। कंपनी की नोएडा स्थित उत्तर प्रदेश में करीब 4 विनिर्माण प्लांट है। दूसरा, कंपनी के पास अपनी खुद की डिजाइनरों की टीम है, मतलब बहुत बड़े डिजाइनरों की, ये अलग अलग तरीकों से चीज़ें करता है। तो यहाँ तक कंपनी शुरुआती तौर पर हमें लग रही है बेस्ट, जो अपनी स्थितियाँ इंडिया के साथ साथ बाहर देश दुबई में बी टू बी बिजनेस के तरफ भी अपनी निर्यात के क्षेत्र में भी कदम चीज़ों को रखकर बढ़ रही है। एक टाइम पे शेयर कंपनी का 500 रुपये से भी ऊपर की तरफ था, फिर इस कंपनी के अंदर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम आती गई और वो प्रॉब्लम इस शेयर को करीब काफ़ी नीचे तक 20 रुपये से नीचे तक भी इस शेयर को लेकर आई है, है ना। और अब फिर ये एक साल के अंदर 490% बढ़ 159 रुपये के इसने कंपनी ने हाई भी लगा दिए हैं ना। तो यहाँ तक के कंपनी चीज़ों के साथ हमें सही दिखती जा रही है। 2019 में सेबी ने प्रमोटरों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर कारण बताओ नोटिस भी भेजा और उस दिन से इस कंपनी के अंदर निगेटिव स्थितियों के साथ चीज़ें होती गई, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रमोटर के ऊपर पहले इस तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग की चीज़ें लग चुकी हैं जो एक गलत बात होती है, वो सेबी ने इन चीज़ों के लिए किया था और कुछ पे जुर्माना भी सेबी ने इस तरीके से पहले भी पीसी ज्वेलर के प्रमोटरों पर लगा चुकी है। ये बात है 2019 की। SBI इसके अंदर सबसे बड़ा इसको ऋण देने वाला एक ऋणदाता है और लेनदार भी सबसे बड़ा हो इसके अंदर जो उसको पैसा चाहिए। जनवरी 2023 में SBI ने पीसी ज्वेलर के ऊपर जो इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था उसके ऊपर इसको NCLT यानी कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए भी चीज़ें शुरू की गई थी। तो ये कंपनी कहीं ना कहीं पहले दिवालिया की चीज़ों के साथ थी। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी ने 4,082 करोड़ के ऋण को फिर से पुनर्गठन यानी कि दोबारे से चीज़ों के साथ करने के लिए योजना बनाई। सबसे बड़ा इसके अंदर लेनदार कौन है? SBI है। कंपनी ने वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी बैंकों से बात करी और जून 2024 में कंसोर्टियम के माध्यम से जो भी ऋणदाता थे, जो करीब 12 से 14 थे, उन्होंने इस चीज़ को वन टाइम जो सेटलमेंट करेंगे उसको स्वीकार कर लिया गया था। तो वहाँ से भी इसके अंदर वो चीज़ें आ गई कि जिस चीज़ के लोन के लिए ये डिफ़ॉल्ट हो रहा था उसके अंदर से कुछ में 12 से 14 कंसोर्टियम के माध्यम से जो इकट्ठे बैंक थे या ऋणदाता थे उनने इस चीज़ को स्वीकार किया और इसको एक और मौका दिया। मुकदमों के कारण कंपनी का परिचालन और राजस्व जो है बड़ा ही प्रॉब्लम में रहा है और उसके कारण इनकी जो सेल्स है करीब 62% तक के कम हो गई थी, राजस्व 62% तक के कम हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये भी आपको समझकर चलो। वो आता वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2024 तक करीब 62% से राजस्व में भी कमी आई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जाननी चाहिए जो अभी अभी मैंने आपको बताई। तो ये भी चीज़ें हमें किसी शेयर के लिए उसको सोचने की विधि को अपने द्वारा प्रदर्शित करती है ना। तो अब ये नहीं कि शेयर भाग रहा है भैया 159 हो गया मैं यहीं से खरीद लूँ, या भैया शेयर गिरा हुआ है उसकी बीती बातें हमें ना पता हो, उसकी आने वाली बातें ना हमें पता हो। अच्छा, एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जो इसके ऊपर और अच्छा इफेक्ट भी डाल सकती है क्योंकि कंपनी स्प्लिट करने वाली चीज़ों वाली न्यूज आ रही है। 23 सितंबर 2024 को कंपनी की एक मीटिंग है और उसके अंदर स्प्लिट होने वाली संभावना वाली न्यूज आ रही है।
तो क्या इस कंपनी का अब शेयर स्प्लिट होगा, किस माध्यम से होगा, ये सारी चीज़ें अब आपको 30 सितंबर को देखने को मिल सकती है। तो ये सारी न्यूज़ अगली पिछली मैंने आपको बता दी, इसका आपको मैंने काम बता दिया, दुबई की चीज़ें बता दी, डिजिटल गोल्ड की चीज़ें बता दी और इसके हर एक वो पहलू बता दिया जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा अगर हम एक बात और करें कि अगर इसका हम मार्केट कैप देखें तो वो करीब 7170 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी का हाई अगर हम देखें तो का है, लो कंपनी का 25 रुपये करीब का है। इस वक्त कंपनी का शेयर जो करीब 54 रुपये करीब का चल रहा है। अगर इसके हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव में सिर्फ यही लिखा है कि कंपनी को आने वाली तिमाहियों में अच्छी सेल्स की उम्मीद है और बाकी सारे का सारा कंपनी के अंदर जो दोष है वो बहुत ज़्यादा देखने को स्कैनर में मिल रहे हैं। जून 2023 की अगर हम बात करें तो कंपनी ने उस वक्त आपको पता ही है ये चीज़ों से टेंशन में था, तो कंपनी 68 करोड़ की सेल्स की थी और 172 करोड़ का कंपनी ने उस टाइम लॉस किया था। जून 2024 में अब ये चौंकाने वाली चीज़ें आ गई, जून 2024 में कंस्टोनियम के माध्यम से जो ऋणदाता थे वो मान गए थे एक साथ जो भी सेटलमेंट होना है, और जून 2024 में अगर हम इसकी सेल्स देखें तो बड़े से बढ़कर जो साल दर साल मैं आपको बता रहा हूँ तो करीब 401 करोड़ की हो गई, एकदम से इसकी सेल में जंप आया और करीब 156 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। जहाँ पिछले बार 71 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया था, इस बार कंपनी का प्रॉफिट आया है 156 करोड़ और कंपनी की साल दर साल 62 करोड़ से 401 करोड़ की सेल हुई है। तो ये भी एक देखने की चीज़ है कि अब इसका जो दूसरा क्वार्टर आएगा भैया आपको वो चुनिंदा तौर पर देखना है, क्योंकि शेयर लगातार हाई मार्कर भी गया है ये आप भी समझना है ना, और अब उसकी स्प्लिट की न्यूज़ भी आ रही है। तो सारी गतिविधियों को ये शुरुआत में मैंने आपको समझाया है। दूसरा अगर हम रिजर्व की बात करें तो 2466 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, उधार कंपनी में 4150 करोड़ का है और कैश फ्लो भी कंपनी का सही है। प्रमोटर के अंदर एक अच्छी बात है कि भैया हमेशा के लिए बने पड़े हैं, मतलब कि ना कम हो रहे ना ज़्यादा हो रहे हैं, जो के तू है वो करीब 54.53% है। FIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो 2.57% है, DIs कंपनी के अंदर करीब 1.45% है और पब्लिक कंपनी के अंदर ज़्यादा ही है वो करीब 40.45% है। देखो सर मैंने आज इसके आपको वो चीज़ें सेबी वाली पहले उनको वाली बता दी है, सबसे बड़ा लेनदार SBI है, अभी आपको इसका अच्छा काम देखने को मिल सकता है। दूसरा जून में इसने अपनी सेल्स को बढ़ा लिया है, अब अगला क्वार्टर इसका हमें ज़रूर लाजमी देखना है और अब स्प्लिट वाली चीज़ों को भी ध्यान रखना है और 30 सितंबर को इनकी एक मीटिंग हो रही है उसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। देखो सर काफ़ी लोग कहते हैं कि सुजलोन एनर्जी के साथ अब हम करें क्या, देखो सर मुझे पता है काफ़ी लोगों ने उसके अंदर से अपना कुछ शेयर छोड़ भी दिए होंगे और कुछ लोगों ने अपने इसमें बने हुए भी होंगे, कुछ लोग एग्जिट भी करके चुके होंगे। देखो सारा का सारा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शेयर बाजार आपके माइंड के अनुसार चलता है। जिस दिन आपके माइंड में वो चीज़ें आ गई मुझे क्या चीज़ें चाहिए तो वो तो आपको खुद करनी है। सबसे पहले आपको ये समझना है शेयर उस मुकाम में है जो काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, देश की चीज़ें अब 2030 के लक्ष्यों के साथ हैं, कंपनी के पास पॉइंट बता रहा हूँ पॉइंट पकड़ लेना, कंपनी के पास करीब 5 GW की ऑर्डर बुक है, कंपनी RE रिन्यूएबल एनर्जी में एक अग्रणी खिलाड़ी बनने की चीज़ों के साथ है और अपने फ्यूचर के मॉडल को सुरक्षित करने के लिए अगले काम करने की नीतियों के साथ भी कंपनी है, यानी कि पवन टरबाइन के साथ साथ और अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए कंपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है, ये भी इसके बाद एक अच्छी न्यूज है। दूसरा एक ब्लैक रॉक जो बड़ा इन्वेस्टर है वो भी इसके हाल ही के दिनों में अपनी इन्वेस्ट करके बैठा है ना। दूसरा आपको समझना है कि पवन ऊर्जा की क्षमता देश के अंदर हो या पूरे विदेश में हो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि वो स्वच्छ ऊर्जा है। तो ये सारे पॉइंट है, इसको आपको पकड़ना है। फिर उसके बाद जो भी टारगेट आए हैं, निगेटिव आए हैं पॉजिटिव आए हैं, वो आप अपने द्वारा समझ सकते हो। देखो सर हमारा तो मकसद है पॉइंट पकड़ना और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था इसके अंदर एक तो 5 GW की, दूसरा RE में एक अपने को अग्रणी करना और तीसरा मैं आपको बताऊंगा NTPC से एक भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन के अंदर ऑर्डर जीतना। अब इतनी बड़ी चीज़ ये पवन के ऊपर NTPC से कर बैठ गया, जहां पर इसकी मौजूदगी PSU खेमे में हो रही थी, उस चीज़ को क्या हम उस न्यूज के भांति ही समझ रहे हैं या उसके ऊपर वो वर्क करेगा NTPC के साथ आगे जाकर? और आपको पता है NTPC अपनी IPO लाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा है ग्रीन एनर्जी का, है ना।
तो वो एक पॉइंट है, उसको आपको पकड़ना है। भैया देखो अब एक चीज़ मैं बताऊँ, कल कोई शेयर 20 भागा, आज वही शेयर 30 गिरा है। कल कोई शेयर 30 भागा होगा, आज वो शेयर 20 गिरा होगा। कल कोई शेयर 4 भागा, आज वो 4 गिरा। कल वो 2 भागा, आज वो फिर 2-3 रुपये और भाग गया होगा। तो यही तो देख रहे हैं हम मकसद नहीं समझ रहे, अपने लक्ष्य नहीं समझ रहे हैं। तो जिस दिन आप मेले में जाकर चीज़ों को समझने लग गए, बच्चों की भांति हमने वर्क नहीं किया, तो हम फायदे में रहेंगे। अपने लॉस की स्थितियां बुक करने वाली अच्छे शेयरों के अंदर कभी नहीं होती, क्योंकि वो तो अच्छे वर्क कर ही रहे हैं। निगेटिव जो शेयर होते हैं या फिर आप दूसरी चीज़ों के साथ हैं, इंट्राडे हो गया, आपके अलग अलग चीज़ें हो गई, वो उस माध्यम से कुछ लोग आपको बता रहे हैं। वरना अगर आपकी स्वच्छ इंद्रियां इन्वेस्टमेंट में रहेगी तो आपको हमेशा फ़ायदा रहेगा। क्योंकि आज अगर आप किसी भी शेयर से छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर चल रहे हैं, आगे जाकर वही शेयर आपको बुलंदियों तक देखने को जब मिला, फिर आपका हृदय टूट जाएगा। या आज कोई शेयर आपको निगेटिव है वो, पर वो अपर सर्किट लगा रहा है, आज उसे आपने झोली में भर लिया, और कल को वो फिर आपको लोअर सर्किट लगाएगा, तो फिर आपके ऊपर क्या होगा? इन स्थितियों को आपको पहले ही भांपना है। तो NMDC ने अपने लोहे आशक के उत्पादन बढ़ाने वाली न्यूज से अपने को मजबूत किया है। PC ज्वेलर का काम सारा बेस्ट है, फिर सेबी न्यूज, फिर ऋणदाता वाली चीज़ें मैंने आपको सारी समझा दी है, और अब स्प्लिट वाली चीज़ें, और इसका एक फंडामेंटल भी मैंने आपको समझा दिया है, जहां पर फंडामेंटल आपको थोड़ा बहुत सही देखने को मिल रहा है। आगे इसका आपका Q2 का वेट करना ही पड़ेगा। सुजलोन एनर्जी के पॉइंट को पकड़ो, किसी की बहकी बहकी बातों में या अलग अलग रणनीतियों के साथ चार्ट में समझने की चीज़ों के साथ मत आओ, अपनी दिमाग लगाओ, अपनी चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, इतनी सी बात मैं आपको एक बता दूं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।